तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के अंदर हम जानेंगे कि इस रेल लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई है वो कितनी रहने वाली है, और इस प्रोजेक्ट पे जो इसकी जो लागत है वो कितनी रहेगी, और इस प्रोजेक्ट पे जो रेलवे स्टेशन बनने हैं वो कौन कौन से रहेंगे, और ये कब तक बन के पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को डिटेल में जानते हैं। देश के सबसे ज़्यादा स्पीड वाले रेलखंडों में से अंबिकापुर बरवाडी नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन का जो अंतिम सर्वे कार्य है वो पूर्ण कर लिया गया है, और सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद अब रेलवे मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया है। जानकारी के अनुसार अंबिकापुर बरवाडी नई ब्रॉडगेज डबल रेल लाइन इसकी जो लंबाई है वो रहने वाली है 199.98 किलोमीटर, और सरगुजा और बलरामपुर जिलों के अलावा झारखंड राज्य में गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले को कवर करेगी। इस रेल लाइन का 134.1 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में और 65.88 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में रहेगा। इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, और नए रेल लिंक के निर्माण की लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और इस रेलखंड पर ट्रेनों की अधिकतम जो स्वीकृत गति है वो रहेगी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। सेक्शन के अन्य खंडों की तुलना में ये अधिक गति वाला रेलखंड होगा, और ये भारत के सबसे ज़्यादा स्पीड वाले रेलखंडों में से एक होगा। अंबिकापुर अनूपपुर रेलखंड में ये सेक्शन शामिल होगा, और वर्तमान में 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला सेक्शन है, जबकि झारखंड में बरवाडी गढ़वा सोनगर खंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला है। इस रेल लाइन को लेकर खास बात यह है कि इसे भारत की आज़ादी से पहले मंजूरी दी गई थी, और इस परियोजना को वर्ष 1947 में स्वीकृत किया गया था। शुरुआत में सरनाडी से बरवाडी 79.4 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण 1947 में रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1947 में शुरू कर दिया गया था। बरवाडी से सरनाडी तक कुछ पुलों को बनाने का समेत कुछ निर्माण कार्य भी पूरा हो गया था। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1950 में इस रेल लाइन का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था, और इसके बाद इस आदिवासी इलाके को गुमनामी में छोड़ दिया गया था। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ने वाला यह इलाका अत्यधिक अविकसित है, शेष भारत से इसकी कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। यह रेल लिंक कोयला ब्लॉक को भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। अब इसका जानते हैं कि इस रेल लाइन के बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा। अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन के निर्माण से आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस क्षेत्र से बॉक्साइट, ग्रेफाइट, लो आयस जैसे खनिजों को पूरे देश में जिनकी मांग है तो उनको पहुंचाया जा सकेगा, और रेल लिंक से जुड़ जाने पर पूरे देश में खनिजों की उपलब्धता की जा सकेगी। बरवाडी रेल लिंक से पश्चिम के यातायात हेतु वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। ये रेल लाइन गया, मुगल सराय, जंक्शन, पटना स्टेशनों को भी बरवाडी रेल रूट के माध्यम से दक्षिण व पश्चिम दिशा के यातायात के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अंबिकापुर बरवाडी के सर्वे में 5 वर्ष की अवधि में इसका निर्माण कार्य पूरा करने की बात का उल्लेख किया गया है। अंबिकापुर से बरवाडी के बीच में इस रेल लाइन पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं वो बनाए जाने हैं तो उनको जानते हैं। इसमें प्रस्तावित रेल लाइन में अंबिकापुर से आगे परसा, बरियो, राजपुर रोड, कर्रा, पस्ता, जलरिया, दलदोवा, सरनाडी, बलरामपुर व झारखंड के बरगढ़, नोकी, बिंदा, पारो, उतार व बरवाडी जो रेलवे स्टेशन है वो शामिल रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रेल लाइन है वो बनके कंप्लीट हो जाएगी, और इससे झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो आपस की कनेक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाएगी।